सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक ऐसा रहस्यमयी रास्ता है जो सीधा नागलोक जाता है। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई और बारिश में भीगे घने जंगलों की खाद छानना पड़ता है, तब जाकर आप नागद्वारी पहुंच सकते हैं। ये जगह मौजूद है मप्र के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी के जंगलों में। साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए मिलती है यहाँ जाने की परमिशन। साल में सिर्फ एक बार ही नागद्वारी की यात्रा और दर्शन का मौका मिलता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्रवेश वर्जित होता है। रिजर्व फॉरेस्ट प्रबंधन यहाँ जाने वाले रास्ते का गेट बंद कर देता है। हर साल नाग पंचमी पर यहाँ एक मेला भरता है जिसमें भाग लेने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचे हैं। सावन में नाग पंचमी के 10 दिन पहले से ही कई राज्यों के श्रद्धालु, खास तौर से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भक्तों का आना प्रारंभ हो जाता है। नागद्वारी के अंदर चिंतामणि की गुफा है। यह गुफा 100 फीट लंबी है। इस गुफा में नागदेव की कई मूर्तियां हैं। स्वर द्वार चिंतामणि गुफा से लगभग आधा किमी की दूरी पर एक गुफा में स्थित है। स्वर द्वार में भी नागदेव की ही मूर्तियां हैं। मान्यता है कि जो लोग नागद्वार जाते हैं उनकी मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नागद्वारी की यात्रा करते समय रास्ते में आपका सामना कई जहरीले सांपों से हो सकता है, लेकिन राहत की बात है कि यह सांप भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सुबह से श्रद्धालु नाग देवता के दर्शन के लिए निकलते हैं। 12 किमी की पैदल पहाड़ी यात्रा पूरी कर लौटने में भक्तों को 2 दिन लगते हैं। नागद्वारी मंदिर की गुफा करीब 35 फीट लंबी है।